मैंने ढूंढ लिया। आओ, ये क्या हरकत है रिकी? मैं जीत गया। मैं थ्री और तुम जीरो। ये नहीं माना जाएगा, मुझे लगा तुम वहाँ छुपे हो। ये एक ही की गलती है। हमारे जंगल का यही नियम है रिकी, हमेशा ध्यान देना चाहिए। माफ करना टबाकी, हमारे जंगल का यही नियम है। क्या कहा, जंगल का नियम? हाँ, पर तुम तो इस जंगल के हो ही नहीं इंसानी बच्चे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सच कह रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, निकल यहाँ से वरना मार खा के जाएगा। मोगली की जान खतरे में थी, पर रिकी टिक्की टावी ने वक्त पर आकर उसे टबाकी से बचाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, बिना उस नेवले के आज उस इंसानी बच्चे की हालत खराब हो जाती। कितनी शर्म की बात है ना, अगर मैं उसकी जगह होती तो चुल्लू भर पानी में डूब जाती। उसने कहा इंसानी बच्चे ने कोशिश भी नहीं की, और फिर रिकी टिक्की टावी को हिम्मत दिखाकर सामने आना पड़ा। और मैंने सुना मोगली डर के मारे झाड़ियों में छुप गया। इंसानी बच्चा तो बहुत डर गया था, भाग के झाड़ियों में छुप गया, फिर रिकी टिक्की टावी ने टबाकी को भगाया। माशा ने सब अपनी आंखों से देखा, इंसानी बच्चा तो बड़ा ही डरपोक निकला, हमारे जंगल के नाम पर धब्बा है। मोगली, जो कुछ मैंने सुना है क्या वो सही है? किटी की टावी ने तुम्हें टबाकी के चंगुल से बचाया? हाँ, और नहीं तो क्या, काश तुम मुझे वहाँ देखते। बम, एक घुसा मारा, बूम, एक और मारा। अगर टबाकी भागता नहीं तो उसका भूसा बना देता। जब उसने तुम्हें पहाड़ी से नीचे धक्का दिया ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं उसका वहीं पे कचिम्बर बना दूं। क्या, उसने तुम्हें पहाड़ी से गिरा दिया? अब हमें हर वक्त मोगली के साथ रहना चाहिए बघीरा। अरे नहीं नहीं, उसने नहीं गिराया, मैं फिसल गया था, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सोचो, अगर रिकी वहाँ नहीं होता तो क्या हो सकता था? तुम्हें बिना हमारी निगरानी के जंगल में नहीं घूमना चाहिए, ये जंगल सुरक्षित नहीं है मोगली। मुझे किसी के निगरानी की कोई जरूरत नहीं, ना ही तुम्हारी और ना ही ऐसे पिद्दी की जो मेरे घुटनों तक भी नहीं आता। हाँ, बात तो सही है मोगली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओ आओ मोगली, यहाँ नहाने आए हो? अरे नहीं नहीं, ये बिना किसी के निगरानी के यहाँ नहा भी नहीं सकता। बंद करो ये सब माशा, चली जाओ यहाँ से। उदास हो क्या? अब हमसे छुटकारा पाने के लिए तुम अपने नेवले को बुलाओगे? रिकी, कहाँ हो? मुझे लगता है मेरा दोस्त मोगली मुसीबत में है। हो लगता है, जब तक इंसानी बच्चे को ये डर लग रहा है कि कहीं मैं उस पर केलों से हमला ना कर दूं। हिम्मत है तो नीचे आकर मुझसे दो दो हाथ करो। आओ आओ, अरे नीचे आओ, डर क्यों रहो, आओ ना। ओहो, बंद करो अपनी बकवास, मुझे अपनी सुरक्षा के लिए किसी नेवले की जरूरत नहीं है। अच्छा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अरे तुम तो इसे एक रेस में भी नहीं हरा सकते। हाँ? रेस, रेस, रेस। मोगली, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, मुझे लगता है इसकी जरूरत है। रूल्स बहुत आसान है, जो पहाड़ी के ऊपर तक पहले पहुँचेगा वो ही विजेता कहलाएगा। मुझे तो ये आसान रेस नहीं लगती। ओहो, रिलैक्स बलू, हम ये सब कुछ मजे के लिए कर रहे हैं। रिकी को मजे लेने हैं, पर तुम्हारे इरादे तो। तैयार हो जाओ, 3, 2, 1 जाओ। ये मैं चला। संभल कर। संभल कर मोगली।
मैं जीत गया। बोलो कौन है सबसे तेज? बस रिकी। ओ रिकी, जंगल में सबसे फुर्तीला, सबसे तेज रिकी। मोगली, जी हाँ मोगली, जंगल में सबसे सुस्त है सिर्फ मोगली। अब तुम खुश होना मोगली, अब इतना करना बंद करो और ये जिद छोड़ो मोगली। बलू, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। अच्छा, सिर्फ रिस्क लेने का मतलब है कि तुम बहादुर हो? मुझे लगता है इस जंगल से दूर चले जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तुम हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाते रहते हो, जैसे कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। और उससे भी बुरा मुझे ये लगता है कि सबके सब मुझ पर ही नजर रखते हैं। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ इसीलिए। पर सुनो, जाने दो उसे बलो, वो अकेला रहना चाहता है। ये जंगल के जानवर क्या जाने कि मुझ में आखिर क्या काबिलियत है। मोगली, ये तुम कहाँ जा रहे हो? पुल पार का इलाका हमारा नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारा इलाका ना हो, पर शायद मेरे लिए वही एक जगह है जहाँ मुझे ऐसी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। पता है मोगली इंसानी गांव जा रहा है। अरे नहीं, चलो बलू। नहीं मोगली, तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमें छोड़कर इंसानों के पास नहीं जा सकते। पकड़ लो उसे, भागने ना पाए। वो लड़का भी है, पकड़ो, भागने ना पाए, पकड़ो। अरे जाता कहाँ है? ये क्या कर रहे हो तुम? नदी पार कर लो, मैं उनका रास्ता भटकाता हूँ। क्या? मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभालूंगा। रुक जा, कहाँ जा रहा है? देखो भागने ना पाए, पकड़ लो। उधर से यार, उस तरफ। हाँ हाँ, चलो चलो, पकड़ो पकड़ो। चलो बलू। वो कहीं दिख रहा है? मोगली। शुक्रिया मोगली, तुमने वाकई कमाल कर दिया, तुम बहुत ही बहादुर हो। मैंने सही कहा ना बलू? हाँ, बात तो सही है, पर मैं ये भी कहूँगा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। और एक बात और, मुझे ये बात कहनी ही होगी कि कभी कभी तुम हमारे बिना भी कमाल कर लेते। और ये भले ही जंगल में सबसे तेज ना हो, पर ये है जंगल में सबसे कमाल का बंदा। वाओ मोगली, तुम तो उतने ही कमाल के हो जितना कि एक नेवला होता है। तुम्हें एक दिन में चाहे कितनी भी बार मुश्किलें आए, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा इंसानी बच्चे। आजा। ओह माफ करना बलू। अरे वो क्या है? वो मछली मेरा खाना थी। हुआ
ये तुमने कैसे किया? ये हम ही है ना? हाँ, पर कैसे? एक मिनट, मैं इतना मोटा तो नहीं हूँ। जरा बचकर। घबराओ मत बघीरा, ये तो बस एक ये क्या है? मुझे नहीं पता, पर ये चीज ठीक नहीं है। सिर्फ इंसान ही ऐसी पानी की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, तो छुटकारा पाने में ही भलाई है मोगली। पानी की पत्ती? हटो भी। जरा ध्यान से, ये टूट भी सकती है। ओ मोगली, तुम्हें देखकर दिल का बल्ब जल जाता है, अकेले में तो और खुशी होती है। शेरखान, अरे मैं बदमाश, तुमने मेरी नींद खराब की है। इसके बदले कोई अच्छी खबर देनी होगी। अरे अच्छे से भी अच्छी है, मोगली के पास एक खास चीज है, एक जादुई चीज, और एक नहीं दो है, शायद तीन नहीं चार पांच। बकवास बंद करो और बताओ किस चीज की बात कर रहे हो तुम। वो ऐसी चीज है जो और इंसानी बच्चे बना रही है, और कुछ दिनों बाद तुम्हें और इंसानी बच्चों से निपटना होगा, इसीलिए जल्दी करो वरना तुम। ये तो अच्छी खबर है, बहुत भूख लगी है मुझे, और इस भूख में एक दो इंसानी बच्चे आराम से पचा लूंगा। थोड़ा ऊपर और ऊपर, ये बात। ओए, वो मेरी है, मुझे वापस करो इसी वक्त। ये चीज कहीं आफत न बन जाए। तुम्हारे पास एक चीज है जो मेरी है माशा। माशा को पता नहीं था कि ये खास चीज इंसानी बच्चे की है। फेंकना मत, मर नहीं। एक बार मेरे हाथ आ जाओ फिर देखना मैं। रुक जाओ मोगली, इस पानी की पत्ती की किसी को जरूरत नहीं। शराफत से वो मुझे दे दो माशा। मैं माशा से पूछती हूँ, क्या लगता है मुझे ये चीज इंसानी बच्चे को वापस कर देनी चाहिए? ओ, देखो ना, माशा मना कर रही है और मैं भी। हम दोनों की बात मानी जाएगी, दफा हो जाओ। ओ, अच्छा, मुझे लगा तुम पहले ही हार मान रही हो, और वैसे भी वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है माशा। बताओ कौन खूबसूरत है, माशा या फिर वो? वैसे ये माशा भी उस माशा की तरह ही है। माशा सबसे खूबसूरत है। हाँ।
इस पानी की पत्ती को दूर ही रखो, ये सही नहीं लग रही। आज नहीं तो कल कोई न कोई इसे पाना चाहेगा, कोई ऐसा जो माशा से ज्यादा शातिर हो और ज्यादा ताकतवर भी। अच्छा, तो अब तुम चूजों के साथ शिकार पर निकलते हो। बघीरा, कितनी बार समझाऊं कि मेरे रास्ते में मत आ, पर बड़ा जिद्दी है तू। हाँ हूँ। उन्हें ज्यादा दूर मत जाने देना। जा। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये कौन है? भूत, बचाओ, भूत है उनके पास। तुझसे लड़ लड़ के पक चुका हूँ मैं बघीरा। अच्छा, पर मुझे तो रोज मजा आता है। कायर टपाकी, चलो अब वापस चलते हैं। नहीं, पहले मुझे उस पानी की पत्ती को सही जगह छिपाना होगा। मोगली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। उसमें तो दिमाग ही नहीं है, है ना? या ना समझ कह लो। मेरी गुफा के इतने करीब आकर गलती कर दी बरखुरदार, पर अब आ ही गए हो तो मेरे खाने तक रुक ही जा। मतलब वो कायर गीदड़ सच ही कहता था। शेर खान, देखो इन दोनों में से किस मोगली को तुम पहले खाओगे। वो चीज मुझे दे दो। बस बहुत हुआ, इस बार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है शेर खान। क्या लगता है मैं एक मोटे आलसी भालू से डर जाऊंगा? नहीं, पर तुम इस पानी की पत्ती की जबरदस्त ताकत का सामना नहीं कर पाओगे। ताकत तो मेरी भी कम नहीं है, कहो तो थोड़ी सी दिखा दो। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये रिकी है ना? लगता है वो किसी मुसीबत में है। तुम्हें काटा तो नहीं? नहीं तो, मैं तो फिसल गया था। वो तो वाकई बहुत ही लंबा सांप था रिकी। तुम्हें पक्का कोई चोट नहीं आई ना? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम नहीं आए होते तो मैं उसका काम तमाम करने वाला था। वो तो दिख ही रहा है रिकी, पर तुम फिलहाल थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? ओह, क्या हाल हो गया है, बेचारा लड़ाई करके थक गया। पर ये रिकी टिकी टावी भी जिद्दी है ना, जब तक उस सांप से छुटकारा नहीं पाएगा चैन नहीं आएगा इसे। पर इस जख्मी हालत में ये उस सांप से लड़ेगा कैसे? नहीं नहीं, हम इसकी ये हालत नहीं देख सकते।
हमें इसकी मदद के लिए कुछ करना होगा। रिकी, क्या हुआ? मैं संभाल लूंगा। कहाँ गया वो? आराम से, इतना जोश मत दिखाओ, चोट लगी है तुम्हें। देखो, एक काम करो, तुम मोगली के साथ जाओ और अपना पैर ठीक करवाओ। बघीरा और मैं उस कोबरा से निपटते हैं। डील पक्की? ऐसा नहीं है कि मैं उससे लड़ नहीं सकता, मेरे तो बस हाथ। डील पक्की। बलू, तुम ये पक्का कर लोगे ना? क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, सांप बहुत ही शातिर होते हैं। घबराओ मत, बघीरा और मैं संभाल लेंगे, आखिर हम दो हैं और वो अकेला है। भेड़ियों की गुफा पास ही है, रक्षा के पास हर तरह की दवाई मिलती है, वो तुम्हें जल्दी ठीक कर देगी। देखो वहाँ है। इसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। तकलीफ मत उठाओ बलू, मैं हूँ ना, ये काम चुटकियों में हो जाएगा। संभल कर। ओ बलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसे मार नहीं वाला था। इस चूहे की गंध से वो जरूर बाहर आएगा, फिर तुम उसका पीछा करना, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। हाँ हाँ ठीक है, पर ये तो तय है कि मैं इसे लंच में खाऊंगा। ओ, काम बन रहा है, शायद वो बाहर आ रहा है, तुम तैयार हो ना? बलू, ये आराम करने का वक्त नहीं है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते बलू? उनके दांतों से बचना बघीरा। बचने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अब समझा, बेचारा रिकी इनसे क्यों नहीं निपट पाया, ये तो पूरा खानदान है। मोगली, पीछे! मोगली, तुम ठीक हो ना दोस्त? हाँ हाँ ठीक हूँ, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं तो बस फिसल गया था। तो रिकी, अब तुम्हें बहुत अच्छा घर मिल गया। हाँ, साथ ही यहाँ काफी शांति भी है। शुक्रिया, मुझसे मिलने आते रहना दोस्तों। धीरे बोलो, कहीं कोबरा तुम्हारी ये बात ना सुन ले। बात तो सही है। अच्छा, क्यों ना हम उन्हें ढूंढे और हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म कर दें? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर अभी नहीं, बाद में। ये काम फिर कभी करेंगे रिकी। ये काम फिर कभी करेंगे, जल्द ही मिलेंगे रिकी टिकी टावी। रिकी टिकी टिकी।